हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताएं 20 फरवरी से एसएससी जीडी भर्ती 2024 का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास लगभग 5 से 7 दिन का समय बाकी है। तो फ्रेंड्स, इन दिनों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी भर्ती 2024 के अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी या फिर आपकी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, हम किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करें, काफी ज्यादा यहाँ पर कमेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये डाउट इस वीडियो के अंदर मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं और लास्ट से देखते हैं, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीजें हैं वो क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप सभी को पता है एसएससी जीडी के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर आपका रहने वाले। क्वेश्चन कितना है यहां पर? 80 है और मार्क कितना है इसका? यहां पर 160 नंबर का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर आपका जो नोटिफिकेशन आया था 2024 का, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि 0.25 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है सीधा सीधा 1/8, यानी इसका मतलब आप समझिए कि जैसे आपका 8 क्वेश्चन यहां पर गलत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन यहां पर गलत होता है, तो जो एक सही क्वेश्चन आपका, वो भी आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। और जो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका 4 क्वेश्चन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन गलत होने पर जो एक आपका जो सही क्वेश्चन था, वो भी यहां पर आपका गलत हो जाता है। ये था 0.50 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अब यहां पर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा डाउट ये चल रहा है कि सर ये नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी या फिर 0.50 की। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या हुआ है, एसएससी अगर हम माने कि एसएससी के द्वारा गलती से या टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुई है, तो यहां पर 0.25 की जगह 0.50 हो सकता है, लेकिन यहां पर हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। जब एसएससी के द्वारा अगर कोई इस प्रकार का नोटिस आता है कि हाँ भाई कि हमारी तरफ से टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गई है या फिर हमने यही नेगेटिव मार्किंग रखी है, तब यहां पर आपको वही चीज माननी है। तब यहां पर देख सकते हैं 0.25 है, अभी तक आपका कोई नोटिफिकेशन इस प्रकार का नहीं निकला एसएससी के द्वारा, या फिर किसी भी आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की वेबसाइट के ऊपर भी कोई इसी प्रकार का नोटिस नहीं है कि भाई एसएससी अपना गलती मान रहा है और बता रहा है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 की रहेगी, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कहीं पर भी नोटिफिकेशन नहीं है। अब यहां पर आपको क्या है, कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि नहीं नहीं जिस हिसाब से पिछले पेपर हुए थे 0.50 के हिसाब से, उसी नेगेटिव मार्किंग में आपकी पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी हम बिलीव नहीं कर सकते। हमारे पास अगर कोई तर्क रहेगा तब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे ना, हमारे पास कोई तर्क ही नहीं है। एसएससी ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, एक नोटिफिकेशन निकाला उसमें भर्ती के बारे में भी आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, जब तक कोई ऑफिशियल इस प्रकार का नोटिस नहीं आ जाता है तो हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, ये पहली बात होगी। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं है तो आपको विश्वास नहीं करना। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि जब आप, अब मान लीजिए 20 फरवरी तक कोई इस प्रकार का नोटिस भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है, अपनी सूझबूझ से काम करना है। क्या करना होगा, जब वहां पर आपका कंप्यूटर स्क्रीन रहता है एसएससी जीडी का, जब आप एग्जाम देने जाओगे कंप्यूटर स्क्रीन वहां पर रहेगा, उसके अंदर आपको शुरू के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि वहां पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है या फिर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन यानी जो भी जानकारी होती है जो पेपर देते समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले रहेगी। अगर आपको नहीं पता है ये चीजें कि इस प्रकार भी पेपर होता है या नहीं होता, तो हमारी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और वो प्रैक्टिस सेट आपके पूरा जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसी हिसाब से बनाए गए, उसी हिसाब से सारे इंस्ट्रक्शन डिजाइन किए गए, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप पेपर देने जाए तो वहां पर आपका जब कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, जब आप पहले बैठे रहेंगे, तो वहां पर आपके पास कोई भी टीचर वगैरह होगा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि सर क्या इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है या फिर 0.50 की, क्योंकि हर साल पेपर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग से होते थे और इस बार 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो सर हमारे को कृपया ये क्लियर कर दीजिएगा। तो वहां पर आप जो भी टीचर वहां पर आपका एग्जाम हॉल के अंदर जो घूमते रहते हैं उन टीचर से आप पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी अगर आप पूछना न चाहे तो वहां पर साफ साफ जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, जो जानकारी लिखी होगी पेपर होने से पहले, उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है कि भाई 0.25 रहेगी या 0.50। उसके अंदर ये भी चीजें बताई जाएगी कि भाई कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, कितने मैथ के अंदर आएंगे, कितने जीके के अंदर आएंगे, कितने आपका हिंदी के अंदर और कितना आपका रीजनिंग के अंदर।
सारी चीजें उस इंस्ट्रक्शन के अंदर अच्छी तरह से लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जब पेपर होने से पहले आपको बहुत सारा समय मिलता है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। एक एक चीजें आपको पढ़ लेनी है कि भाई कितनी कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितना कितना पेपर कितने नंबर का होने वाला है, कितना क्वेश्चन होने वाला है, इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। एक चीज आपको ये भी मैं बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते रहते हैं कि सर हमारे को हिंदी या इंग्लिश के अंदर हम क्वेश्चन वहां पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर शुरू के अंदर आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया है कि मैं पेपर इंग्लिश के अंदर देना चाहता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पर सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश के अंदर आएंगे। हिंदी के क्वेश्चनों को छोड़कर, हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को छोड़कर सारे क्वेश्चन वहां पर इंग्लिश के अंदर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो वो बेसिकली आपका जो पूरा पेपर है वो हिंदी के अंदर आने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर कमेंट करते हैं कि सर अगर मैं इंग्लिश चूज करूं तो क्या मेरे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे? तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर। और अगर मैं यहां पर हिंदी में चूज करो तो हिंदी में तो पूरा पेपर ही आपका हिंदी में आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने दो डाउट आपके क्लियर किए। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, अभी तक यहां पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 को ही आपको मान के पेपर को अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड्स अगर वहां पर आप इंस्ट्रक्शन में 0.25 देखते हैं तो 0.25 के हिसाब से खूब सारे तुक्के लगा देना है, क्योंकि 0.25 के अंदर आपके 1/8 मान सकते हैं आप, मतलब 8 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका सही क्वेश्चन गलत होगा। तो आपका प्रायिकता तो उसमें तुक्के लगाने से ज्यादा क्वेश्चन सही होने का चांस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर देना है, पूरे क्वेश्चन आपको तुक्के लगा देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब सही क्वेश्चनों के ऊपर तो तुक्का नहीं लगाना है, आप वो सभी आपको पता है, लेकिन जैसे 0.25 की है तो आपको तुक्के लगाना है। अगर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग आपको उन इंस्ट्रक्शन के अंदर पता देखने को मिलती है तो आपको अपने संयम के अनुसार, आपके दिमाग के अनुसार आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे को तुक्का लगाना चाहिए, 50-50 है, तो उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक वीडियो कल लेकर आऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि जैसे आपको किस प्रकार तुक्का लगाना है। तुक्का लगाना फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, आपका पेपर अगर आपको अटेम्प्ट करना आता है, मैं तुक्का लगाने की बात वैसे नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन गेसिंग की बात कर रहा हूं मैं कि किस प्रकार आपको तुक्का लगाना है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत अहम चीज हो जाती है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जानना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तुक्के लगाने से भी कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन आपको सही तरीका आना चाहिए किस प्रकार आपको लगाना है। ये वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल पाएगा। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, अगर इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है कि भाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी या 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ साथ आपके अगर कोई भी डाउट है आपको वैकेंसी से संबंधित, या फिर आपका फिजिकल मेडिकल कुछ भी डाउट है, तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर जाइए, या फिर आप हमारे को कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट में प्रत्येक का आंसर देता रहता हूं, अगर मैं फ्री रहता हूं तो मैं सभी के आंसर देता हूं। मैं ये चैनल बनाने का हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर वो तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस देना, अच्छी तरीके से गाइडेंस देना। आपको सही गाइडेंस वही व्यक्ति दे सकता है जो या तो फोर्स के अंदर है, एसएससी जीडी की वही दे सकता है। मैं बता देता हूं, मेरा एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी में आप सभी को बताया सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो रखा है, तो मेरे को सब पता है कि क्या क्या चीजें वहां पर होती है, किस प्रकार पेपर देते हैं, किस प्रकार पेपर में हाई स्कोर अचीव करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।